लंदन शहर के दो चित्र टावर हेमलेट्स और साउथ वार्क थेम्स नदी के कारण एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह नदी जहाज़ों के आवागमन के लिए उपयोग की जाती थी। अगर इस पर कोई स्थायी पुल का निर्माण कर दिया जाता तो इससे जहाज़ों के लिए आवागमन में अवरुद्ध हो जाता। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सर आर्बर्ट जोसेफ अल्टमैन की अध्यक्षता में सन 1877 में एक विशेष पुल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 50 से अधिक ब्रिजेस के डिजाइन को लेकर बहस चली, परंतु कोई डिजाइन तय नहीं हुआ। अंत में जॉर्ज डी स्टीवनसन, हॉरेस जॉन्स और जॉन वॉल्फ बेरी ने एक अनोखे बेस पुल डिजाइन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और पुल को गॉथिक शैली अनुसार बनाने का आदेश दिया गया। पुल का निर्माण सन 1886 में शुरू हुआ और उसे सन 1894 तक पूरा कर लिया गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंदन के टावर ब्रिज के बारे में और साथ में ही जानेंगे हाल ही में 10 अगस्त को आई इसमें तकनीकी खराबी के बारे में और इसके अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 2000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ और 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 5000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ और ऐसे ही 10000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 10000 रुपये का गिव अवे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जीतने का मौका ज़रूर पाइए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे में पार्ट कैसे लेना है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लंदन का टावर ब्रिज, जिसे लोग गलती से लंदन ब्रिज भी कहते हैं, यह थेम्स नदी पर लंदन में है। असल में लंदन टावर के समीप स्थित होने के कारण इसे टावर ब्रिज कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह बेसकुल ब्रिज है। बेसकुल ब्रिज का अर्थ यह है कि ऐसा ब्रिज जो जहाज के निकलने के लिए खुल जाता है और फिर से जुड़ सकता है। ऐसे पुल गतिशील पुल कहे जाते हैं और इनके खुलने और बंद होने में भी कम ऊर्जा लगती है। पहले ये पुल पानी और भाप से संचालित होता था, लेकिन अब बेसकुल प्रणाली तेल और विद्युत से संचालित की जाती है। बेसकुल ब्रिज और भी कई स्थानों पर स्थित है, जैसे कि सालमन ब्रिज सिएटल अमेरिका, यूनिवर्सिटी ब्रिज सिएटल अमेरिका, पिगेसस ब्रिज फ्रांस, जॉनसन स्ट्रीट ब्रिज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ग्राफ्टन ब्रिज न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, पैलेस ब्रिज सेंट पीटर्सबर्ग रसिया, मॉरिसन ब्रिज ओरेगन अमेरिका। ब्रिटेन की शान माना जाने वाला लंदन का टावर ब्रिज तकनीकी समस्या की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बन गया और पूरा शहर लगभग जाम हो गया। दरअसल ये तकनीकी खराबी टावर ब्रिज के ड्रॉब्रिज यानी कि पुल के दो भाग खुलते समय आई, जिसके बाद पुल के दोनों हिस्से हवा में ही रह गए और वहीं पर जाम हो गए। जानकारी के मुताबिक पुल के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी। इस ब्रिज टावर की खासियत इसमें दोनों तरफ से उठाए जाने वाले हिस्से हैं, जिनके खुलने के बाद ही पुल के नीचे से पानी के जहाज गुजर पाते हैं। इस तरह से हर साल करीब ये 800 बार पुल खुलता है और जहाज निकलते हैं। इस दौरान ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन शनिवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रैफिक कई घंटों तक रुका रहा। टावर ब्रिज के ट्विटर हैंडल के मुताबिक ये पुल करीब 240 मीटर लंबा है और शनिवार को तकनीकी खराबी की वजह से काफ़ी देर तक बंद रहा। हालांकि बाद में पैदल चलने वालों के लिए ये स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन गाड़ियों को निकलने में काफ़ी वक्त लगा और करीब करीब पूरे लंदन शहर पर इसका असर देखा गया। टावर ब्रिज के नीचे से कुछ ही समय पहले एक पानी का जहाज गुजरा था, जिसे रास्ता देने के लिए ब्रिज टावर के पुल के दोनों हिस्से को उठाया गया था, लेकिन पुल के दोनों हिस्से बाद में जुड़ ही नहीं पाए। ये स्थिति काफ़ी देर तक बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें। हालांकि बाद में ब्रिज के ट्विटर हैंडल पर ही जानकारी दी गई कि पुल में आई तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है। अब जानते हैं इसके कुछ अनसुने फैक्ट्स। इस पुल के निर्माण में लगभग 8 वर्षों का समय लगा था। इसका निर्माण 21 जून 1886 में शुरू किया गया और इसे 30 जून 1894 तक बनाकर जनता के लिए खोल दिया गया था।
यह विश्व के विशाल पुलों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 240 मीटर व कुल ऊंचाई 65 मीटर है। इस पुल के निर्माण के लिए लगभग 400 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। इस पुल के आधार के निर्माण के लिए लगभग 70,000 टन से ज्यादा कंक्रीट थेम्स नदी में डाला गया था। यह पुल लंदन के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है, जिसका प्रत्येक दिन लगभग 40,000 से ज्यादा लोग उपयोग करते हैं। इस पुल के टावर्स और छायादार रास्ते के ढांचे का निर्माण करने के लिए लगभग 11,000 टन स्टील का उपयोग किया गया था। यह पुल थेम्स नदी के ऊपर बना है, जो लंदन के उत्तर में स्थित टावर हेमलेट्स को लंदन के दक्षिण में स्थित साउथ वार्क से जोड़ता है। दोस्तों, हम सोच सकते हैं कि ब्रिटेन 19वीं सदी में ही कितना आगे बढ़ चुका था, तो अभी कहाँ पे होगा। खैर, ये थी बातें लंदन के टावर ब्रिज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे और बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।